HCl से क्लोरीन गैस किस प्रकार बनाते हैं, क्लोरीन जल क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, क्लोरीन बनाने की कौन सी विधि अधिक प्रचलित है और इसका उपयोग आजकल क्यों नहीं करते हैं, आइए आज के वीडियो लेक्चर में इन सब तथ्यों का अध्ययन करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर की सीरीज में यह हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने ओस्टवाल विधि द्वारा किस प्रकार से नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं वह सीखा था। थर्ड वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है। क्लोरीन गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। क्लोरीन गैस की सहायता से डाइज, ड्रग्स और फर्टिलाइजर का निर्माण किया जाता है। क्लोरीन बनाने की डीकन विधि का चित्र आप सामने ग्रीन बोर्ड पर बना हुआ देख रहे होंगे। इसमें पहला चैम्बर ऑक्सीकारक कक्ष है जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर कहते हैं। इस चैम्बर में HCl और ऑक्सीजन के 4:1 के मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। सामने आप एक समीकरण भी देख रहे होंगे, 4HCl plus O2 equal to CuCl2 in presence of 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 2Cl2 plus 2H2O। चैम्बर का टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। इस चैम्बर को ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर HCl का ऑक्सीजन से संयोग होता है। इस प्रकार निर्मित क्लोरीन गैस गर्म तथा अशुद्ध होती है। अशुद्धि के रूप में इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जल की अशुद्धि होती है। सर्वप्रथम इसको ठंडा करने के लिए हम कूलर में प्रवाहित करते हैं। कूलर में से गुजरने के पश्चात क्लोरीन गैस ठंडी हो जाती है लेकिन उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जल की अशुद्धि रहती है। हाइड्रोक्लोरिक अशुद्धि को दूर करने के लिए हम उसको वॉशिंग टावर में नीचे से प्रवाहित करते हैं और ऊपर से बूंद बूंद करके जल को प्रवाहित करते हैं। जल नीचे की ओर आता है और क्लोरीन गैस ऊपर की ओर जाती है। जल क्लोरीन में उपस्थित HCl की अशुद्धि को दूर कर लेता है। वॉशिंग टावर से निकलने के पश्चात क्लोरीन गैस नम होती है। इसको शुष्क करने के लिए ड्राइंग टावर में नीचे से भेजते हैं और ऊपर से बूंद बूंद करके सांद्र H2SO4 प्रवाहित करते हैं। सांद्र H2SO4 निर्जलीय कारक की भांति कार्य करता है और क्लोरीन में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार HCl और जल की अशुद्धि रहित क्लोरीन हम टैंक में प्राप्त कर लेते हैं। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने का सिद्धांत इस प्रकार है। सर्वप्रथम उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन और क्यूप्रस क्लोराइड में टूट जाता है। 2CuCl2 इजिकल टू Cl2 प्लस 2CuCl क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। 4CuCl प्लस O2 इजिकल टू 2CuO इंटू CuCl2 कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड HCl से अभिक्रिया करके जल को दूर कर देता है और पुनः ये क्यूप्रिक क्लोराइड में चेंज हो जाता है। इस प्रकार डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने की ये विधि चक्रीय विधि है जो लगातार ऐसी ही चलती रहती है। डीकन विधि द्वारा प्राप्त क्लोरीन शुद्ध नहीं होती है, इसमें HCl की और नमी की अशुद्धि रह जाती है। यही कारण है कि आजकल डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस नहीं बनाई जाती है। हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंध की गैस है, ये जल में अत्यधिक विलय होती है। इसके जलीय विलयन को क्लोरीन जल कहते हैं जो कि ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस निर्माण का वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। प्रैक्टिकल के पर्पस से और बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसके चित्र को चार्ट पेपर, कार्डबोर्ड या फिर प्रोजेक्ट के रूप में प्रैक्टिकल में सबमिट कर सकते हैं जिस पर कि एक अच्छा वायवा हो सकता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो हम शुद्ध क्लोरीन बनाने की कास्टनर केलनर विधि का अध्ययन करेंगे।